दोस्तों टैक्स रिफंड का प्रोसेस क्या है? इनकम टैक्स का क्विक रिफंड जनरली आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के केस में होता है, यानी कि रिफंड आपके सामने होता है लेकिन आपके बैंक में नहीं आता। सबसे पहले मैं सभी टैक्स पेयर और इस चैनल के व्यूअर से कहना चाहता हूं कि ये चैनल आपका अपना चैनल है और हमारा वादा है आपसे कि कमेंट सेक्शन में आप जो भी सवाल हमसे पूछेंगे मैं और मेरी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेगी और टैक्स रिफंड लेने में भी आपकी मदद करेगी। दोस्तों आईटीआर फाइल करने के बाद सभी को एक बात का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है और वो होता है इनकम टैक्स रिफंड का। बहुत से टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनका ज़्यादा टीडीएस कट जाता है, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो या नॉन सीनियर सिटीजन्स। किसी की एफडी की इंटरेस्ट इनकम पर बैंक टीडीएस काट लेता है जबकि उनकी टोटल इनकम इतनी नहीं होती कि कोई टैक्स की लायबिलिटी बने। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से टैक्स का रिफंड डिसाइड होने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाता। अब जो लोग जॉब करते हैं उनका भी कई बार गलती से टीडीएस कट जाता है और या किसी और रीजन की वजह से भी टीडीएस ज़्यादा कट जाता है। और अगर आपका भी टीडीएस रिफंड नहीं आ पा रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपको गाइड भी करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो इस यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों टैक्स रिफंड का प्रोसेस क्या है? जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो उसके बाद आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद ये डिसाइड होता है कि कितना इनकम टैक्स का रिफंड बनेगा या फिर रिफंड बनेगा भी या नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रिटर्न प्रोसेसिंग हो जाती है और रिफंड नहीं आ पाता, और कई बार ऐसा होता है कि इंतज़ार होता है रिफंड का लेकिन नोटिस आ जाता है डिमांड का। और ऐसा क्यों है आगे बताऊँगा, लेकिन अभी रिफंड की बात हम लोग कर लेते हैं। ITR फाइल करने के बाद लगभग एक महीने के अंदर अंदर ITR की प्रोसेसिंग हो जाती है और प्रोसेस होते ही रिफंड डिसाइड हो जाता है। पिछले कुछ ईयर से ITR की क्विक प्रोसेसिंग की बात भी होती रहती है और आपने भी सुना होगा कि आजकल जैसे ही ITR भरो क्विकली आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, और ये सच भी है। इनकम टैक्स का क्विक रिफंड जनरली ITR 1 और ITR 4 के केस में होता है। ITR 1 सैलरी वालों के लिए होती है और ITR 4 बिजनेस के लिए होती है जो प्रीजम्प्टिव कैटेगरी में अपनी इनकम को शो करते हैं, और ये दोनों ही फॉर्म्स स्मॉल और इजी फॉर्म होते हैं। इसकी वजह से ITR फॉर्म्स की प्रोसेसिंग और रिफंड बहुत जल्दी हो जाती है। आजकल सभी रिफंड आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं, और रिफंड के केस में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिफंड डिसाइड होने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि खाना आपके सामने है और आप खा नहीं सकते, यानी कि रिफंड आपके सामने होता है लेकिन आपके बैंक में नहीं आता। इसके अलावा बाकी ITR फॉर्म्स जैसे कि ITR 2 जो कि सैलरी प्लस कैपिटल गेन इनकम आदि के लिए होता है, और ITR 3 जो कि बिजनेस के लिए होता है, या फिर ऐसे ITR फॉर्म्स जो इंडिविजुअल के अलावा बाकी पर्संस के लिए होते हैं जैसे ITR 5, 6, 7 जो कि कंपनी ट्रस्ट आदि के लिए होते हैं, इन ITR फॉर्म्स को प्रोसेस करने में डिपार्टमेंट को काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन कितना टाइम लगता है इसे एग्जैक्ट डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए इस केसेस में रिफंड भी थोड़ा लेट आता है। आप चेक कीजिए कि आपने कौन से ITR फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल की थी। अगर आपको वाकई में अपना इनकम टैक्स रिफंड लेना है तो अपने रिफंड को ऐसे फॉलो करें जैसे मैं आपको बता रहा हूं और ऐसे देखें जैसे अभी बताने वाला हूं। आप सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने पैन से लॉग इन कर लें और ई फाइल ड्रॉप डाउन से इनकम टैक्स रिटर्न और वहां से व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अपनी ITR और इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड सारा डाटा मिल जाता है कि किस डेट को आपने ITR फाइल की थी और कब प्रोसेस हुई, और यहीं से आप अपने रिफंड का स्टेटस भी देख सकते हैं कि किस डेट को आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका रिफंड आया। एक बात और, यहीं से आप अपनी इंटीमेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड कैसे कैलकुलेट किया। ये इंटीमेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, इसका पासवर्ड होता है स्मॉल लेटर्स में आपका पैन प्लस डेट ऑफ बर्थ जो कि इस फॉर्मेट के अंदर होती है। एक बात का ध्यान रखिए कि ये ITR की प्रोसेसिंग और आपका टैक्स रिफंड तभी इशू होगा जब आपकी ITR रिटर्न की ई वेरिफिकेशन हो गई होगी। अब उन रीजंस की बात करते हैं जब टैक्स पेयर का रिफंड डिसाइड हो चुका होता है लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है? इसका पहला रीजन है कि पैन का आधार से लिंक ना होना। लिंक ना होने से पैन इनएक्टिव हो जाता है और रिफंड अटक जाता है। अब रिफंड आपके हाथ में कैसे आएगा जब आप अपने पैन को आधार से लिंक कराएंगे? दूसरा रीजन है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेटेड नहीं होना। मेरे साथियों, आप एक बात समझ लीजिए कि आपका रिफंड तब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा जब तक आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर सही तरीके से ऐड नहीं होगा। इसी को हम प्री वैलिडेटेड ऑफ बैंक अकाउंट कहते हैं।
अगर आपने अपनी आईटीआर में रिफंड क्लेम किया है तो आप अभी चेक कीजिए कि क्या आपका बैंक अकाउंट पोर्टल पर वैलिडेटेड है। गाइज, अगर रिफंड लेना है तो बैंक को इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड करना मैंडेटरी है। अब लास्ट में एक बात और करते हैं कि जब टैक्स पेयर को इंतजार होता है रिफंड का और आ जाता है डिमांड का नोटिस, ऐसा उस केस में होता है जब टैक्स पेयर रिफंड लेने के लिए गलत और फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं। एक और भी कारण है, जब टैक्स पेयर ऐसे TDS का इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं जो टैक्स डिडक्टर ने जमा ही नहीं कराया लेकिन आपने अपने रिटर्न में क्लेम कर लिया। तो दोस्तों, इन सभी रीजंस की वजह से टैक्स रिफंड नहीं आ पाता। और ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कब और कैसे इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।